इतने बड़ी खबर के साथ जो रायसेन से आ रही है INS 24/7 की खबर का असर यहां पर देखने को मिला है। लाइसेंसी शराब दुकान को किया गया सील, MSP और MRP से अधिक दामों में बेची जा रही थी शराब, एक्सपायरी डेट की भी शराब बेचे जाने का मामला आया था सामने। कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम याचुरा के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई। INS 24/7 से बातचीत में बोले सहायक आबकारी आयुक्त दीपम याचुरा, ग्राहकों से अवैध वसूली नहीं की जाएगी बर्दाश्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर निकल कर सामने आ रही है रायसेन से, जहां INS 24/7 की खबर का असर देखने को मिला है। जो अवैध शराब बेची जा रही थी MRP रेट से ज्यादा पर यहां पर शराब बेची जा रही थी, उस पर इस खबर को INS 24/7 ने प्रमुखता से दिखाया था और अब उस खबर का असर देखने को मिला है। दीपम रायचूरा आपको बता दें उन्होंने यहां पर सख्त कार्रवाई की है और ये भी कहा है कि इस तरीके की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायसेन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं INS 24/7 की खबर का असर देखने को मिला है। लाइसेंसी शराब दुकान को किया गया है सील, MSP और MRP से अधिक दामों में बेची जा रही थी शराब, एक्सपायरी डेट की भी शराब बेचे जाने का मामला सामने आया था। कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा के मार्गदर्शन में हुई है ये कार्रवाई। आपको बता दें INS 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और INS 24/7 से बातचीत में बोले सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा, ग्राहकों से अवैध वसूली नहीं की जाएगी बर्दाश्त। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की रायसेन से निकल कर आ रही है। बड़ी खबर रायसेन से आ रही है। आपको बता दें कि लाइसेंसी शराब दुकान को किया गया है सील, अधिक दामों में बेची जा रही थी शराब जिसको लेकर यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्सपायरी डेट की भी शराब बेचे जाने का मामला सामने आया था। अब कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। INS 24/7 ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। MRP रेट से ज्यादा दामों पर यहां पर शराब बेची जा रही थी, उसके बाद अब खबर का असर देखने को मिला है। जी हां, इस खबर का असर जिसे INS 24/7 ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहां पर जुड़ गए संवाददाता दिनेश यादव। दिनेश, यहां पर INS 24/7 की खबर का असर देखने को मिला, INS ने इस खबर को बेहद ही प्रमुखता से दिखाया था, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह की बात किया है तो रायसेन जिले में अगर शराब दुकानों की बात किया तो कई शराब दुकानों पर यहाँ पर जो है MRP से अधिक रेट में जो है शराब बेची जा रही। साथ ही बेगोंज का जो ताजा मामला आया इसमें यहाँ पर एक्सपायरी डेट की यहाँ पर बियर भी पाई गई, तो जिसको लेकर हमने तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात की थी, जो सहायक आबकारी आयुक्त हैं दीपम रायचूरा जी, उनसे हमने कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर ग्राहकों के साथ यहाँ पर खुली लूट यहाँ पर मचा रखी जो आपका ही ठेकेदार है, क्योंकि यहाँ पर MSP और MRP के जो सरकार ने तय दाम किए हैं उन दामों से अधिक ठेकेदार कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर जो है शराब को यहाँ पर बेच रहा, तो कहीं ना कहीं उनके हौसले किस तरीके से बुलंद है। इसी को लेकर जब मामला संज्ञान में जब आया सामने और जब हमने बात की तो उसके बाद कलेक्टर के निर्देश के बाद तुरंत यहाँ पर जो आबकारी अधिकारियों दीपम रायचूरा उन्होंने यहाँ पर अपनी टीम को यहाँ पर मौके पर पहुंचाया और जो बेगमन की शराब दुकान थी जहाँ पर MSP और MRP से अधिक दामों में यहाँ पर शराब बेची जाती थी उसको 2 दिन के लिए यहाँ पर सील गया। तो कहीं ना कहीं आबकारी ठेकेदारों के लिए ये सबक भी हुआ कि अगर इस तरीके के बाद भी अगर आपका ही ठेकेदारों की अपनी मनमर्जी यहाँ पर चलती रही तो कहीं ना कहीं उन पर ही भी कार्रवाई होना लाजमी है। INS की खबर का यहाँ पर असर हुआ है। INS न्यूज हमेशा ही ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाता है जो जनता से जुड़ी होती है। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।